पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों और भाइयों, यह आतंकवादियों के समर्थक हैं। आपने देखा होगा एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बहन और भाइयों, अभी इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं आज, और वह कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता में आएंगे, सबसे पहला काम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट करके ये मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या आप इसको सहमत हैं क्या इससे? क्या आप इससे सहमत होंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और दूसरा कार्य, इनके द्वारा विरासत टैक्स की बात की जा रही है। ये विरासत टैक्स इतना खतरनाक है, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी, उनमें से आधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ले लेंगे और फिर इसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? आपके पूर्वजों की संपत्ति को कोई कब्जा कर लेगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? ये तो लगता है इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है।